Hello students, welcome to GPS online English classes. Hope everything is well with you. Students, we are going to complete lesson number 3 of your textbook, The Legend of Marcus Regulus. So, I will take you through the remaining part of it. और इससे पहले वाले वीडियो में हमने इसको almost half कर लिया था. Before I go ahead, make sure that you have a pencil or a pen. आप नोट करने के लिए पेंसिल और पेन ले लीजिए. फाइन, तो चलिए देखते हैं कि इस लेसन के अंदर क्या है बाकी बचे हुए हिस्से में. और आप में से सभी को जो पुराना जो पिछला पार्ट था उसमें से भी कुछ याद रहा होगा, नहीं तो मैं एक छोटा सा रिकैप लेता हूँ. जो मेन इम्पॉर्टेंट इवेंट्स हैं उसके अंदर उसकी हम बात करते हैं कि रोम जहाँ पर बसा हुआ था, जहाँ पर रोम सिटी था, उसके दूसरी तरफ बीच में सी था, दूसरी तरफ एक कार्थेज था. कार्थेज एक और कंट्री था जहाँ पर कुछ लोग रहते थे, लेकिन वो कार्थेज के लोग और रोम के जो लोग थे उनकी आपस में दोस्ती नहीं थी. ओके, तो वो दोनों आपस में काफ़ी लड़ाइयाँ कर चुके थे और दोनों ही कुछ लड़ाइयाँ जीत चुके थे और ये डिसाइड नहीं कर पा रहे थे कौन जीतेगा. रोम में एक बहादुर जनरल था जो कि मशहूर था कि वो अ मैन ऑफ वर्ड था. अ मैन ऑफ वर्ड का मतलब अपने वचन का पक्का इंसान, जो प्रॉमिस नहीं तोड़ता हो, वो उसमें से एक था. तो वो उस लड़ाई में पार्टिसिपेट करता है. एक दिन वो पकड़ा जाता है और उसको वो कैद कर लेते हैं, अपनी जेल में बंद कर देते हैं. ऑलराइट, और फिर अब देखते हैं कि उसके और आगे क्या हुआ होगा. फाइन, सो लेट मी टेक यू थ्रू द रिमेनिंग पार्ट ऑफ इट. इसके बाकी बचे हुए हिस्से से मैं आपको रीड करके कंप्लीट करता हूँ. चलिए फिर हम पढ़ते हैं इसको. हम इस लाइन को कनेक्ट करेंगे इस वाले पेज से. ही हैड लॉस्ट अ बैटल इट इज ट्रू एंड हैड बीन टेकन प्रिजनर. तो इसमें बताया है कि वो जो जनरल था बहादुर वाला, वो एक बैटल युद्ध को हार गया था और उसको कैद कर लिया गया, प्रिजनर, बंदी बना लिया गया. प्रिजनर का मतलब होता है कैदी बना लेना, पकड़ लेना. ओके, प्रिजन का मतलब जेल और प्रिजनर का मतलब जो जेल में बंद हो. येट ही न्यू दैट रोमन्स वर गेनिंग ग्राउंड. येट थ्री, देखिए इसका मतलब फिर भी या जबकि. ही न्यू दैट, वो जानता था कि रोमन्स जो थे वो आगे बढ़ रहे थे. गेन ग्राउंड से बन गया गेनिंग ग्राउंड, आगे बढ़ रहे थे, तरक्की कर रहे थे. प्रोग्रेसिंग, इट मींस प्रोग्रेसिंग, कि वो उन्नति कर रहे थे. एंड द पीपल ऑफ कार्थेज वर अफ्रेड ऑफ बीइंग बीटन. जो कार्थेज के लोग थे वो डरे हुए थे. अफ्रेड किस चीज़ से? ऑफ बीइंग बीटन, कि हम हार जाएंगे, हमें पीट दिया जाएगा. इन द एंड, कि लास्ट में हमारी हार हो जाएगी. दे हैड गॉन टू अदर कंट्रीज, वो दूसरे देशों में भी गए थे कार्थेज के लोग. टू हायर सोल्जर्स, हायर का मतलब होता है कि किराए पर या किसी कॉन्ट्रैक्ट पर किसी को बुलाना, ले जाना, और अपना अपने लिए जब अपना उनका वर्क कंप्लीट हो जाए वापस चले जाना. जैसे हम कोई ओला या उबर हायर करते हैं ना. ऑलराइट, या हम कुछ लोग हायर करते हैं अपने किसी वर्क के लिए. कोई वर्क हो अगर हमारे पास तो हम कुछ लोग हायर कर लेते हैं, उनको पे करते हैं, इसका मतलब हम पैसे देते हैं हायर करने के लिए. ऑलराइट, फाइन. जैसे आप अपने घर में अपने घर को वाइट वॉश कराते हैं ना, डिस्टेम्पर या पेंट कराते हैं, तो आप हायर करते हैं. ओके, जो पेंटर्स होते हैं. ऑलराइट, उसी तरह से उन्होंने हायर कर लिया सोल्जर्स को. देखिए प्रोनंसिएशन, सोल्जर्स, श नहीं बोलेंगे इसमें, शोल्डर कह देते हैं बहुत सारे बच्चे, इसका मतलब
गंदा होता है। हायर सोल्जर्स टू हेल्प देम, तो उन्होंने हायर करने के लिए औरों से भी कांटेक्ट किया और कंट्री से, लेकिन कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। पर इवन विद दोज, उनके साथ भी, उनको अपने साथ लेने के बाद भी, दे वुड नॉट बी एबल टू फाइट, वो लड़ने के काबिल नहीं थे मच लॉन्गर अगेंस्ट रोम, कि वो और ज़्यादा टाइम रोम के साथ लड़ने के योग्य नहीं थे, मतलब हार जाना उनका निश्चित था। नेक्स्ट पैराग्राफ। वन डे, एक दिन, सम ऑफ द रूलर्स ऑफ कार्थेज, कुछ वहाँ के रूलर्स जो राज करते थे, शासक, केम टू द प्रिजन, वो जेल में आए, टू टॉक टू रेगुलस, रेगुलस से बात करने के लिए। और क्या बोल रहे हैं वो, वी वुड लाइक टू मेक पीस विद रोमन पीपल, हम शांति स्थापित करना चाहेंगे, मतलब हम चाहेंगे कि शांति हो जाए आपस में, हम लोग लड़े नहीं। मेक पीस का मतलब शांत हो जाना, फ्रेंडली बन जाना, कि हम चाहेंगे कि आपस में दोस्त बन जाएं रोमन्स के साथ। एंड दे सेड, उन्होंने कहा, एंड वी आर श्योर, और हमें इस बात का पक्का है, मतलब हम भरोसा है इस बात का, हम इस बात से को लेकर निश्चित हैं, इफ़ योर रूलर्स एट होम न्यू, कि अगर, इफ़ का मतलब यदि, अगर योर रूलर्स, तुम्हारे रूल, तुम्हारे राजा लोग, तुम्हारे रूलर्स रोम के, एट होम का मतलब रोम सिटी में या रोम कंट्री, रोम वाली प्लेस पर, न्यू, अगर वो जानते, अगर वो इस बात को जानने लगे या जान गए, हाउ द वॉर वॉज गोइंग, अगर उनको पता चल जाए कि लड़ाई कैसी हो रही है, इफ़ यू अग्री टू डू सो, अगर तुम तैयार हो जाते हो, मान जाते हो ऐसा करने के लिए, ओके, एज वी से, जैसा कि हम कहते हैं, क्या करने के लिए मान जाते हो, जैसा हम कहते हैं, मीनिंग तुम हमारी बात मान जाओ और हम तुम्हें कुछ बदले में देंगे। देखो क्या बोलते हैं, वॉट इज़, उसने पूछा, वॉट इज़ दैट, क्या चीज़ है, इसमें हमने ऊपर वाली लाइन मिस कर दी शायद, वी आर श्योर, हाँ यहाँ पर है, वी आर श्योर इफ़ योर रूलर्स एट होम न्यू हाउ द वॉर वॉज गोइंग, दे वुड बी ग्लैड, यहाँ पर पढ़ेंगे हम, दे वुड बी ग्लैड, उनको खुशी होगी टू मेक पीस विद अस, तो उनको खुशी होगी कि हमसे दोस्ती करके, फ्रेंड्स बनकर, वी विल सेट यू फ्री, हम तुम्हें आज़ाद कर देंगे, तुम्हें छोड़ देंगे, स्वतंत्र कर देंगे, एंड लेट यू गो होम, और घर जाने देंगे, ठीक है। अब कोई कंडीशन, कोई शर्त रखी है उन्होंने, क्या, इफ़ यू अग्री टू डू एज वी से, वो जो एनिमी कंट्री है कार्थेज, उसके रूलर्स कह रहे हैं मार्कस को, कि अगर तुम मान जाते हो, तैयार हो जाते हो वो सब करने के लिए जो हम कहते हैं, डू एज वी से, वो करने के लिए जो हम कहते हैं, व्हाट इज़ इट, तो मार्कस ने पूछा, रेगुलस ने, कि वो क्या बात है, पूछ लिया उसने। फर्स्टली दे सेड, पहले तो यू मस्ट टेल द रोमन्स, तुम्हें रोहन को ज़रूर बताना होगा, अबाउट द बैटल्स, इस युद्ध के बारे में, विच यू हैव लॉस्ट, कि तुमने युद्ध, तुमने जो बैटल है वो लूज कर दी है, ठीक है, एंड यू मस्ट टेल देम, और उनको तुम ये भी बताओगे, कहते हैं ना ये भी बताओगे का मतलब क्या है, कि हमारी तरफ से ये उनको, उनको विश्वास दिला दो, ये उन्होंने कंडीशन रख ली, क्या बता दो, मस्ट टेल देम क्लियरली, बिल्कुल साफ स्पष्ट रूप से, दैट दे हैव नॉट गेन्ड एनीथिंग, कि उन्होंने कुछ भी पाया नहीं है, गेन का मतलब लाभ नहीं उठाया है, उन्हें कुछ भी मिला नहीं है बाय द वॉर, कि लड़ाई करके उन्हें कुछ हासिल नहीं हुआ है, उन्हें कुछ प्राप्त नहीं हुआ है, एक ये बात कह दो। सेकेंडली, दूसरी बात क्या, यू मस्ट प्रोमिस अस, तुम्हें एक ये हमें वचन देना पड़ेगा हमको, दैट इफ़ दे डू नॉट मेक पीस, कि अगर रोम के लोग हमसे शांति के लिए तैयार नहीं होते, फ्रेंड्स बनने के लिए तैयार नहीं होते, यू विल कम बैक टू योर प्रिजन, तुम वापस आ जाओगे। देखिए कैसी अजीब सी, एब्सर्ड, बिल्कुल अटपटी सी, मीनिंगलेस सी उन्होंने एक
कंडीशन रखी है कि तुम वापस आ जाओगे अगर वहाँ के लोग तैयार नहीं होते हैं, कि हम तो फ्रेंड्स नहीं बनेंगे, हम फ्रेंड की रिलेशन नहीं रखना चाहते, हम लड़ाई ही करेंगे। तो उन्होंने मार्कस से ये कंडीशन इसलिए रख दी, उनको पता था कि वो मशहूर है, प्रसिद्ध है अपना प्रॉमिस निभाने के लिए कि तुम वापस आ जाओगे। अब कौन वापस आएगा? वॉर में कभी ऐसा होता नहीं है कि इतना इतना ब्रेव सोल्जर, इतना ब्रेव जनरल, इतना ब्रेव पर्सन कोई इन सब शर्तों को निभाएगा एनिमी के साथ। लेकिन उन्होंने उसको ऐसा बोला। अब देखिए वो क्या बोलता है मार्कस, वेरी वेल, बिल्कुल ठीक है, रेगुलस ने बोला, आई प्रॉमिस यू दैट, मैं तुमको ये वादा करता हूँ इस बात का, इफ़ दे डू नॉट, अगर अगर वो अगर वो ऐसा नहीं करते, मतलब इफ़ दे डू नॉट मेक पीस, अगर वो शांति के लिए तैयार नहीं होते, आई विल कम बैक टू प्रिजन, मैं जेल में इस वापस आ जाऊँगा। ठीक है, एंड सो दे लेट हिम गो, और इसके बाद उन्होंने उसको जाने दिया। लेट हिम गो का मतलब जाने दो, अब यहाँ पर दे लगा दिया हमने, सब्जेक्ट लग गया, दे लेट हिम गो, उन्होंने उसको जाने दिया, फ्री कर दिया। फॉर दे न्यू, यहाँ पर फॉर का मतलब है बिकॉज, ऑल राइट, कंजंक्शन, फॉर बिकॉज, क्योंकि दे न्यू, वो जानते थे दैट अ ग्रेट रोमन, कि एक महान रोमन वुड कीप हिज वर्ड, वो अपना वचन निभाएगा, कीप हिज वर्ड, वर्ड का मतलब शब्द होता है ना, यहाँ पर वर्ड का मतलब है जो मुंह से बोला हुआ वचन है, मुंह से कही हुई बात है। तो कीप प्रॉमिस भी होता है, कीप वंस, कीप माय वर्ड या योर वर्ड भी होता है, कीप वंस वर्ड जिसे हम कहते हैं। और आगे, द रोमन्स वर ओवरजॉयड, रोमन्स बहुत खुश थे, ओवरजॉयड का मतलब बहुत ज़्यादा खुश, टू सी हिम, रेगुलस को देखकर। ठीक है, और आगे, रिटर्न होम, कि वो वापस आ गया, एंड हैप्पीली वेलकम हिम, और उसको उन्होंने बहुत खुशी के साथ उनका स्वागत किया। हिज वाइफ एंड चिल्ड्रन वर, मार्कस रेगुलस के बच्चे और उनकी वाइफ वर डिलाइटेड, ओके, हैप्पी या खुश का एक और वर्ड है, अच्छा होता है ये वर्ड काफ़ी, डिलाइटेड, खुश, ठीक है, डिलाइटेड का मतलब खुश, कैसा एडजेक्टिव हो गया ये, दे वर डिलाइटेड, वो बहुत खुश थे, दे वर वेरी हैप्पी कहते हैं ना जैसे हम, सो दे वर डिलाइटेड, खुश क्यों थे, फॉर दे थॉट दैट, उन्होंने सोचा था, फॉर का मतलब क्योंकि, उन्होंने सोचा था दैट नाउ, कि वो अब दे वुड नॉट बी पार्टेड अगेन, कि वो लोग अब अलग अलग नहीं होंगे। पार्टेड का मतलब मार्कस रेगुलस अपनी फैमिली से बिछड़ेगा नहीं, पार्ट का मतलब ये भी होता है एक, तो कुछ वर्ड्स के मीनिंग डिफरेंट होते हैं, पार्ट का मतलब हिस्सा होता है, ओके, और जब हम पर्सन की बात करते हैं, किसी इंसान के साथ पार्ट लगाते हैं, तो उसका मतलब उससे अलग होना भी होता है, ठीक है, बिछड़ कर चले जाना, जुदा हो जाना, जिसको हम दूसरे शब्दों में कहते हैं। तो फैमिली बहुत खुश थी, उनको विश्वास था अब हम नहीं अलग होंगे, अब हम बिछड़ेंगे नहीं, क्योंकि वापस आ गया हमारे हमारे फैमिली मेम्बर। द वाइट हेड फादर्स, जो वहाँ के फादर्स थे चर्च वगैरह के, जिनके वाइट हेयर हो गए थे, हु हैड मेड द लॉस, जिन्होंने कानून बनाए थे फॉर द सिटी, उस सिटी के लिए, केम टू सी हिम, वो भी देखने के लिए आए, उसको केम सेकेंड फॉर्म में आ गए देखने के लिए। दे आस्ड, उन्होंने पूछा, दे आस्ड देम अबाउट द वॉर, उन्होंने वॉर के बारे में पूछा, ओके, सिंपल पास्ट लग गया, देख सब्जेक्ट हो गया, सेकेंड फॉर्म पूछा, तो ऐसे आप रिपीट करते रहिए, लिख सकते हो अभी इसके ऊपर, पूछा। आई वॉज सेंट, मुझको भेजा गया था, इसकी हिंदी आप लिख सकते हैं इसको, आई वॉज सेंट फ्रॉम कार्थेज, मुझको भेजा गया था कार्थेज के लोगों के द्वारा, टू आस्क यू, तुमको ये कहने के लिए, टू मेक पीस, कि तुम शांति कर लो। आस का दूसरा मतलब देखिए क्या होता है, किसी को कुछ करने के लिए कहना, आस का मतलब पूछना, फर्स्ट। एक और मीनिंग क्या है, जैसे आप कहेंगे आस्क योर फादर, ठीक है, अपने फादर से पूछो, ठीक है, आस्क योर क्लास टीचर, अपने क्लास टीचर से पूछो, तो यहाँ पर
पूछने का मतलब यह है कि जिसे हम ये बोलते हैं कि आस्क योर फादर, आस्क योर मदर, एक तो ये हो गया। अब एक दूसरा क्या है, जैसे इसमें कहा गया है कि इसमें कहा गया है कि दे हैव का सॉरी कि उन्होंने तुम्हें मुझे कहा है कि पीस कर लें, ठीक है। जैसे मैं उसमें बता रहा था, आस्क योर फादर टू गिव मनी, अपने पापा से पैसे देने के लिए बोलो। आस्क योर टीचर टू टू गिव यू अ शार्पनर, अपने टीचर से कहो कि तुमको वो शार्पनर दे दें। तो यहाँ पर कुछ करने के लिए भी, ओके, आस्क योर फ्रेंड टू गिव यू हिज लंच, इस तरह से। ऑलराइट, तो उन्होंने उसको उसने बताया मार्कस ने कि मैं यहाँ पर आया हूँ आपसे ये कहने के लिए जो उन्होंने मुझे बोला है कि हम लोग शांति कर लें, पीस कर लें, फ्रेंडली हो जाएं। बट इट विल नॉट बी वाइज टू मेक पीस। अब उसने एक और लाइन बोली, लेकिन ये बिल्कुल समझदारी वाली बात नहीं होगी उनसे दोस्ती कर लेने की, टू मेक पीस, शांति कर लेने की। उसने आगे बोला, ट्रू वी हैव बीन बीटन, ये सच है कि हमको भी हार मिली है इन अ फ्यू बैटल्स, कुछ लड़ाइयों में, बट अवर आर्मी इज़ गेनिंग ग्राउंड, लेकिन हमारी आर्मी प्रोग्रेस कर रही है, ओके, आगे बढ़ रही है, इवन सॉरी एवरी एवरी डे, हर दिन। तो उसने एक्चुअल कंडीशन जो जो रियल कंडीशन थी वो बता दी, ठीक है। उसने झूठ नहीं बोला अपने आप अपने जीवन को, अपनी लाइफ को बचने के लिए, बचाने के लिए। बिल्कुल सच बताया कि हाँ, कि रोम के लोग आगे बढ़ रहे हैं और वो जीतते जा रहे हैं, कुछ दिनों में जीत जाएंगे। द पीपल ऑफ कार्थेज आर अफ्रेड, और उन्हें उनका सही हाल बताया कि पीपल जो हैं कार्थेज के वो डरे हुए हैं। एंड वेल दे शुड बी, और उनको होना भी चाहिए, डरना भी चाहिए। कीप ऑन विद द वॉर, उसने क्या कहा रोम के लोगों को, कीप ऑन विद द वॉर, लड़ाई जारी रखो, लड़ाई को कंटिन्यू करते रहो, लड़ते रहो। अ लिटिल वाइल लॉन्गर, थोड़ा और समय के लिए, एंड कार्थेज शैल बी योर्स, और कार्थेज तुम्हारा हो जाएगा, तुम जीत जाओगे। एज फॉर मी, जहाँ तक मेरी बात है, जहाँ तक मेरा सवाल है, जहाँ तक मैं संबंधित हूँ, ओके, एज फॉर मी का मतलब है कि एज फार एज आई एम कंसर्न्ड, जहाँ तक मेरा संबंध है, जहाँ तक मेरी बात है, आई हैव कम टू बिड फेयरवेल, मैं तो तुमको अब अलविदा कहने के लिए आया हूँ। बिड फेयरवेल का मतलब कि मैं जा रहा हूँ बाय कहने के लिए, कभी नहीं लौटूंगा। ऑल राइट, टू माई वाइफ एंड चिल्ड्रन, अपनी वाइफ और चिल्ड्रन को, एंड रोम, ठीक है। टुमारो आई विल स्टार्ट बैक टू कार्थेज, कल सुबह, यानी कि कल आने वाले कल को, मैं आई विल स्टार्ट बैक, मैं वापस जाने के लिए चल दूंगा, कार्थेज जाऊंगा, एंड टू प्रिजन, उसी कैद में, उसी जेल में, एज आई हैव प्रॉमिस्ड, जैसा कि मैंने उनको प्रॉमिस किया है। तो देखिए, यहाँ पर मार्कस ने क्लियर कर दिया कि वो सिर्फ ये मैसेज देने आया है कि रोम को बिल्कुल नहीं रुकना चाहिए, रोम जीत रहा है और वो उन पर कुछ दिनों के बाद जीत पा लेंगे, तो इन्हें नहीं रुकना चाहिए। नेक्स्ट पैराग्राफ, द फादर्स ट्राई टू पर्सवेड हिम, जो वो कानून बनाने वाले फादर्स थे उन्होंने उसको राजी करने की कोशिश की, मना लेने की कोशिश की, कन्विंस करना जिसको हम बोलते हैं, मान जाओ, टू स्टे, कि वो रुक जाए, ठहर जाए, ना जाए आगे। लेट अस सेंड अनदर मैन इन योर प्लेस, चलो एक और आदमी भेज देते हैं इन योर प्लेस, तुम्हारी जगह पर, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट था, ब्रेव था, दे सेड, उन्होंने कहा। अब देखिए क्या जवाब आता है, शैल शैल अ रोमन नॉट कीप हिज वर्ड, उसने बोला कि क्या एक रोम का व्यक्ति, इंसान, अपने वचन को पूरा नहीं करेगा, आस्क रेगुलस, उसने पूछा, क्योंकि वो मशहूर थे कि रोमन्स अपने वचन के पक्के होते हैं। आई एम इल, मैं बीमार हूँ,
आई एम एल मीन्स मैं बीमार हूँ, आई एम नॉट वेल, एंड एट बेस्ट और ज़्यादा से ज़्यादा हैव अ शॉर्ट टाइम टू लिव, कुछ ही देर बची है जब तक मैं जिंदा रह सकता हूँ, ओके, शॉर्ट टाइम है जीने के लिए, कम टाइम बचा है ज़िंदगी का, आई विल गो बैक, मैं वापस चला जाऊँगा, आई के बाद विल, विल के बाद फर्स्ट फॉर्म, आई विल गो, मैं चला जाऊँगा, बैक वापस, एज आई प्रोमिस्ड, जैसा कि, एज मीन्स जैसा कि, तो इन वर्ड्स को लिखते रहिएगा जो जो मैं बोल रहा हूँ आपको, एज आई प्रोमिस्ड, जैसा कि मैंने प्रोमिस किया था या किया, हिज वाइफ वेप्ट, उसकी वाइफ रो पड़ी या रोई, एंड सन्स वेप्ट, और उसके बेटों ने भी प्रार्थना की हिम नॉट टू लीव हिम, लीव देम अगेन, कि हमको दोबारा छोड़कर प्लीज मत जाओ, ओके, क्योंकि उनके फादर फैमिली से बिछड़ गए और सब इतने आपस में प्यार करते थे, तो वो ऐसी कंडीशन ही आ गई, अपने फादर को वो कैसे जाने देंगे, ऑलराइट, तो वो सब उनसे रिक्वेस्ट करने लगे, प्लीज़ मत जाओ, हम दोबारा तुम्हें नहीं छोड़ना चाहते। आई हैव गिवन माई वर्ड, सेड रेगुलस, रेगुलस ने बोला मैंने अपना वचन निभाया। तो देखिए इसमें ये वाली बात ही आ रही है कि किसी उस पर्सन के लिए अपना प्रॉमिस अपने लाइफ से ज़्यादा बड़ा था, ओके, द रेस्ट विल बी टेकन केयर ऑफ, बाकी सब चीज़ों का ध्यान हो जाएगा, मतलब बाकी सब चीज़ों को की परवाह कर ली जाएगी, ओके, तो बाकी सब तो चीज़ें ठीक हो जाएंगी, कोई बात नहीं, सब कोई ना कोई देख लेगा। देन ही बेड देम गुड बाय, फिर उसके बाद बेड की सेकेंड फॉर्म आ गई, फिर उसने उन सब को, मतलब अपनी फैमिली को, रोम को, वाइफ को, बच्चों को गुड बाय कर दिया, अलविदा कह दिया हमेशा के लिए, एंड वेंट ब्रेवली, और बहादुरता से चला गया बैक टू द प्रिजन, अपने प्रिजन के पास, अपने प्रिजन में, एंड और क्या हुआ देखते हैं, द क्रूअल डेथ, अनकाइंड जो डेथ थी उसमें, बिना दया बिना रहम वाली डेथ, विच ही एक्सपेक्टेड, वो उसको मिली, एक्सपेक्ट का मतलब उम्मीद करना, ओके, अनुमान लगाना, ऐसा ही होना था, क्योंकि उसने तो जब कार्थेज के लोगों की, रूलर्स की बात नहीं मानी, तो उसको छोड़ेंगे थोड़ी, वहाँ जेल में रखेंगे, उन्होंने मार दिया। दिस वॉज द काइंड ऑफ करेज, यही एक, ये एक साहस की एक प्रकार थी, इस तरीके का साहस था, दैट मेड रोम, जिसने रोम को बनाया, बना दिया द ग्रेटेस्ट सिटी इन द वर्ल्ड, संसार का सबसे महान देश। सो आई होप कि आपको जी अच्छी लगी होगी स्टोरी, एंड थोड़ा सा इसमें उस किंग का, मार्कस रेगुलस का, एक अपनी हैबिट को, अपनी अपनी क्वालिटी को बताया गया है, कि वो अपने वचन के बहुत पक्के थे, उसके लिए अपनी लाइफ की परवाह नहीं करी है, सो इट इज़ अ वेरी गुड क्वालिटी, और ऐसा एक अच्छा राजा, एक अच्छा जनरल मिला रोम को। ऑलराइट, सो हियर इट फिनिशेस, ख़त्म हो जाता है ये। इसके बाद टेक्स्ट बुक के कुछ क्वेश्चंस हैं, इनको आप देखेंगे, क्वेश्चन का लाइन पढ़ लीजिए, फिर आप बुक में जाइए लेसन पर, उसी लाइन को मैच करते हुए, समझने के बाद उनको मैच करते हुए वर्ड्स के आसपास इसके आंसर को आप ढूंढिए, ठीक है, इजीली मिल जाएंगे आपको सभी आंसर से, ओके। ये देखिए, सम ऑफ द चिल्ड्रन मे नॉट हैव गॉट बुक्स, हो सकता है कि कुछ बच्चों को बुक्स नहीं मिली हो अभी, या नहीं ले पाए हों, सो दे कैन टेक अ गुड लुक एट इट, वो बहुत ध्यान से देख सकते हैं, फाइन, इसको जूम करना पड़ेगा उनको स्क्रीनशॉट लेकर इसका। ऑलराइट, सो दैट्स ऑल अबाउट इट, ये ख़त्म हो जाता है, आई विल कैच यू लेटर इन द फॉलोइंग वीडियो, Take care of yourself, keep smiling, be happy, thank you so very much.